नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। बहुत जल्द ही नया साल आने वाला है और आने वाले साल के वार्षिक राशिफल के वीडियोस मैं अपने चैनल पर समय समय पर अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने यह वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और अपने आने वाले नए साल के बारे में विस्तार से जानें। तो चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के हिंदू पंचांग से। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 14 दिसंबर से और सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 20 दिसंबर को होगा। अब यदि इस सप्ताह होने वाले ग्रहों के गोचर को देखा जाए तो चंद्रमा के साथ साथ सूर्य और बुध ग्रह का धनु राशि में गोचर भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल और जानते हैं कि इन तीन बड़े ग्रहों के गोचर का क्या पड़ने वाला है आपके स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम और शिक्षा पर प्रभाव। शुरू करते हैं सबसे पहली राशि मेष से। मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में होगा। साथ ही बुध और सूर्य देव का गोचर आपके 9वें भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में मानसिक चिंताओं में वृद्धि होगी क्योंकि कार्य क्षेत्र में विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। गुप्त रोग होने की संभावना है। हालांकि आकस्मिक धन लाभ होने से पुराने नुकसान की भरपाई होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा के साथ साथ बुध और सूर्यदेव के 9वें भाव में होने से किस्मत का साथ मिलेगा। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र में रुके हुए कामों में तीव्रता आएगी। बड़े अधिकारियों से संबंध मधुर बनेंगे। सप्ताह के अंत में नए आय के स्रोत बनेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। अब बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की तो यह सप्ताह दोनों के लिए ही अनुकूल रहेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। साथी को कोई बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। ज्योतिषीय सलाह, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में रहेगा। चंद्रमा के साथ ही सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। सप्ताह का आरंभ व्यापार की दृष्टि से शुभ रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा होगा। कुंवारे जातकों के जीवन में नया प्रेम प्रसंग बनने की उम्मीद है। अप्रत्याशित धन लाभ होने से मानसिक चिंताएं दूर होंगी। कारोबारी छोटी यात्राएं हो सकती है। सप्ताह के मध्य में सूर्य और बुध की युति से आपकी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा होगा। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में प्रमोशन होने के योग हैं। पिता के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे। अब बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की तो यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का साथ मनोबल बढ़ाएगा, परंतु साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्योतिषीय सलाह, माँ दुर्गा की आराधना करें और शुक्रवार के दिन हो सके तो छोटी कन्याओं को उपहार भेंट करें। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में होगा। साथ ही सूर्य और बुध ग्रह की मौजूदगी आपके 7वें भाव में रहेगी। सप्ताह के आरंभ में भावनात्मक रूप से स्वयं को कमजोर महसूस करेंगे। इस दौरान आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना लें और सेहत का ख्याल रखें। चंद्रमा के अगले चरण में प्रवेश से घर में मांगलिक कार्य होने के योग बनेंगे। व्यापार में विस्तार होगा। सप्ताह के मध्य में बिना बड़ों की सलाह लिए कोई भी जरूरी काम ना करें। शांत रहने के लिए योग व मेडिटेशन का सहारा लें। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच सकते हैं। अब बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की तो इस सप्ताह साथी के साथ चल रहे हर गिले शिकवे दूर होंगे। आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, परंतु रिश्ते में ईमानदारी रखें। ज्योतिषीय सलाह, किसी जरूरी काम पर जाने से पहले घर से निकलते समय कुछ दाने इलायची के खाकर ही बाहर जाएं। कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 5वें, 6वें, 7वें और 8वें भाव में होगा। साथ ही सूर्य देव और बुध ग्रह का गोचर 6वें भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में आप अपने प्रेमी से दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होने की उम्मीद है। इस दौरान कारोबारियों को व्यापार में मुनाफा होगा, परंतु इस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और अनर्गल विवादों में ना फंसें। सप्ताह के मध्य में सूर्य और बुध की युति आपके 6वें भाव में होने से सेहत संबंधी तकलीफें बढ़ सकती है।
वहीं इस दौरान पैसों के लेन देन में भी सावधानी बरतना आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, हो सके तो इस दौरान यात्राओं को टाल दें। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो इस समय प्रेमी के परिवारजनों से मिलने का मौका मिल सकता है। वहीं शादीशुदा जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। धैर्य से काम लें। ज्योतिषीय सलाह, सोमवार के दिन चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें और हो सके तो चांदी के ग्लास से पानी पिएं। आइए आगे बढ़ते हैं सूर्य के स्वामित्व की सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चौथे, पांचवे, छठे और सातवें भाव में होगा। साथ ही सूर्य ग्रह और बुध का गोचर आपके पांचवें भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में माता के साथ मतभेद हो सकते हैं, हालांकि इस दौरान पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। प्रेमी जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत शुभ रहेगी। विवाह के बंधन में बंधने की सोच सकते हैं। सप्ताह के मध्य में बुध देव और सूर्य देव की युति होने से नया बिजनेस शुरू करने के आसार रहेंगे। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अनुकूल रहेगा। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। सप्ताह के अंत में दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। नौकरी पेशा जातक किसी नई नौकरी पर स्विच करने की सोच सकते हैं। अब बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, तो यह सप्ताह प्रतिकूल रहेगा। क्रोध में आकर साथी को अपशब्द कहने से बचें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें। ज्योतिषीय सलाह, नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दें और तांबे के बर्तन से पानी पिएं। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे भाव में होगा। साथ ही सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। कार्य क्षेत्र में साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। मार्केटिंग से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। माता का साथ मनोबल बढ़ाएगा। भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने की सोच सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सूर्य और बुध देव की युति से व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह समय स्टूडेंट्स के लिए भी शुभ रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर बाधा दूर होगी। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, कोई पुराना रोग उभरने की संभावना है। वहीं कर्ज लेने व देने से भी बचें। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो रिश्ते में ईमानदारी रखें, अन्यथा कोई छोटी सी बात भी अलगाव का कारण बन सकती है। वहीं वैवाहिक संबंधों में वैचारिक मतभेद होना संभव है। जीवन साथी की बात को समझने का प्रयास करें। ज्योतिषीय सलाह, बुधवार के दिन हरी वस्तुओं जैसे हरी सब्जी या हरी मूंग की दाल का दान करें और हो सके तो किन्नरों का आशीर्वाद लें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में होगा। चंद्रमा के अलावा सूर्यदेव और बुध ग्रह का गोचर आपके तीसरे भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। धन और कुटुंब की दृष्टि से समय शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मीठी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। पॉलिटिक्स से जुड़े जातकों को तरक्की मिलेगी। सप्ताह के मध्य में बड़े अधिकारियों से मेल मिलाप बढ़ेगा। बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू होंगे। सामाजिक स्तर पर आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा होगा। सप्ताह के अंत में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के क्षेत्र में कठिन प्रयास जारी रखने होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी संतान की ओर से कोई परेशानी हो सकती है। बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, तो यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। कभी आपसी प्यार तो कभी छोटी छोटी तकरारें चलती रहेगी। ज्योतिषीय सलाह, शुक्रवार के दिन किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान भेंट करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में होगा। चंद्रमा के साथ ही सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं को भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना लें। हालांकि इस दौरान आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक माहौल खुशहाल होगा। सप्ताह के मध्य में सूर्यदेव और बुध ग्रह की युति से कारोबारियों को बेहतर मुनाफा होगा। छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। अधूरे पड़े कामों में तीव्रता आएगी। यदि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो समय शुभ है, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेत्र संबंधी समस्याएं हो सकती है। सप्ताह के अंत में घर की साज सजावट की ओर धन खर्च होगा। मन में दबी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी।
अब बात करें प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की, तो भविष्य से जुड़े सपने संजोते नजर आएंगे, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। ज्योतिषीय सलाह, हनुमान जी की आराधना करें और हो सके तो गले में स्फटिक की माला धारण करें। अब बारी आती है बृहस्पति के स्वामित्व की धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके बारहवें, पहले, दूसरे और तीसरे भाव में होगा। वहीं सूर्य और बुध ग्रह आपके पहले भाव में विराजमान रहेंगे। सप्ताह का आरंभ प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान अत्यधिक धन खर्च होता दिखाई दे रहा है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। कोई भी कार्य गैर कानूनी ढंग से ना करें, अन्यथा विरोधी कानूनी दाव पेचों में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं सूर्य और बुध की युति पहले भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें बढ़ेंगी। हालांकि इस विषम परिस्थिति में भी परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा निवेश करने की सोच सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्य के होने से माहौल अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में छोटे भाई बहनों के साथ आउटिंग पर जाने की सोच सकते हैं। वहीं मीडिया या प्रेस से जुड़े जातकों को तरक्की मिलने की संभावना है। अब बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह प्रेमी को खुश करने के हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं शादीशुदा जातकों का जीवन तनावपूर्ण रहेगा। साथी को पर्याप्त समय दें और वाणी पर नियंत्रण रखें। ज्योतिषीय सलाह, विष्णु जी की आराधना करें और रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके ग्यारहवें, बारहवें, पहले और दूसरे भाव में होगा। वहीं सूर्य और बुध ग्रह आपके बारहवें भाव में विराजमान होंगे। सप्ताह की शुरुआत नौकरी पेशा और कारोबारी जातकों के लिए शुभ रहेगी। कार्य क्षेत्र में तरक्की होने के योग हैं। विदेशी कामकाज कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी। इस दौरान आपको लंबी दूरी की यात्राएं करना पड़ सकती है, हालांकि इसमें अत्यधिक धन खर्च होना संभव है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य में आपके निजी जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में परिवार या संतान के भविष्य से जुड़ा कोई अहम फैसला ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो यह सप्ताह सामान्य रहेगा। वहीं शादीशुदा जातकों के जीवन में संतान प्राप्ति के योग हैं। ज्योतिषीय सलाह, शनिदेव की आराधना करें और कुत्ते को रोटी खिलाएं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दसवें, ग्यारहवें, बारहवें और पहले भाव में होगा। वहीं सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत प्रतिकूल होगी। पिता के साथ मतभेद होने से मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। वहीं बुध ग्रह और सूर्य की युति के कारण थोड़ी राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष की ओर से आर्थिक सहायता मिल सकती है। सप्ताह के मध्य में पुरानी की गई मेहनत रंग लाएगी, हालांकि इसमें अधिक धन खर्च होना संभव है। इस समय सेहत का भी ध्यान रखें, अन्यथा थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सप्ताह के अंत में नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखें, साथ ही शांत रहने के लिए योग व मेडिटेशन का सहारा लें। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। आपसी मतभेद होने से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। वहीं शादीशुदा जातक अपने साथी के साथ किसी आउटिंग पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। ज्योतिषीय सलाह, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आगे बढ़ते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि की ओर। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवे, दसवे, ग्यारहवे और बारहवें भाव में होगा। चंद्रमा के अलावा सूर्य और बुध ग्रह का गोचर आपके दसवें भाव में रहेगा। सप्ताह का आरंभ शुभ रहेगा। आपके साले या साली के द्वारा कोई बड़ा लाभ होने की संभावना है। कुमारे जातकों के जीवन में सच्चा प्यार आने वाला है। इस दौरान आप किसी सोशल गैदरिंग में हिस्सा लेंगे, जिससे आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार थे, उन्हें नई नौकरी मिल सकती है। वहीं व्यापारी जातक अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की मदद से कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। सप्ताह के मध्य में ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें, अन्यथा कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में विपरीत परिस्थितियों में सुधार होगा। मनोरंजन से जुड़ी चीजों को खरीदने में धन खर्च करेंगे, परंतु यहां आपको बजट में रहकर ही धन खर्च करने की सलाह दी जाती है।
बात करें प्रेम संबंधों और शादीशुदा संबंधों की, तो रिश्तों में अहम का टकराव होने से गलतफहमियां बढ़ेंगी, जिससे रिश्ते में खटास आने की संभावना है। ज्योतिषीय सलाह: शिव जी की पूजा करें और रोजाना माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। तो दोस्तों, यह थी इस सप्ताह आपकी 12 राशियां। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।